आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं यहाँ समिति सचिव हूँ। समिति सचिव, आप थोड़ा बाहर आइए वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी बताएंगे, वीरेंद्र जी ये लाइन खड़ी है, बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र 90-90 साल है वो खड़े हैं, कौन खाद देगा भाई साहब ये बताइए ना। सातोनी है जिससे जान पहचान है उसको ज्यादा, जिससे जान पहचान नहीं है वो लाइन पे खड़े रहो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है, ऐसा ही हो रहा जी। नंबर दो कहाँ हो रहा है? नंबर दो कहाँ दे रहे? नंबर दो कहाँ दिख रहा है? नंबर दो का ये तो कह रहे बट रहे आपको दे रहे हमको नहीं दे रहे बिल्कुल भी। 6 बजे यहाँ खड़े हम 6 बजे यहाँ आगे 6 बजे से। यूरिया को लेकर हाहाकार मचा है। इस वक्त मैं सहारनपुर के रामपुर तहसील में मौजूद हूँ और जहाँ पर इस वक्त हूँ वो है सोसाइटी जहाँ पर खाद मिलता है, ये आप देख सकते हैं। और तस्वीरें ऐसी हैं कि एक बुजुर्ग महिला को घंटों घंटों लाइन में लगना पड़ा तब जाकर इन्हें एक ये यूरिया का ये गट्टा मिल पाया। कब से लाइन में लगे थे? सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं मेरी अम्मा। 7:30 बजे मैं खुद आ गया था, 8 बजे अम्मी आई थी। अच्छा, तब जा कर के वो खाद मिला और अब इनके बाद एकदम बंद हो गया मिलना। आखिरी यही महिला थी। एक मिल पाया आपको? हाँ जी, एक ही मिला है। हाँ जी। और इनको लाइन में लगा के कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र कम से कम है जी 70-75। जी आप देख सकते हैं कि आखिरकार कैसी तस्वीरें हैं और जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो इसे बहुत सिस्टमैटिक ढंग से सिस्टम से कराएं, वो वहां पर देखें कि कैसे लाइन लगी हुई है। और अब जब मैं यहां पहुंचा हूं ना कि भीड़ बहुत चढ़ चुकी है, लोग परेशान होकर जा चुके हैं और काफी लोग अपनी कोई साइकिल लेकर आया था, कोई बुग्गी लेकर आया जिन्हें मिल गए हैं, तो कोई खाली हाथ यहाँ पर जाता नजर खाली जा रहे मिला ही नहीं। तड़के तो ले गई उठे मैं लिया कागज भी जुगे तू ही है, कुछ नहीं मिला सुबह तक लेकर शाम तक यू है लियो टेम है ले दे कागज भी जुगे तू ही है। और खत्म हो गया था राजा नंबर आ जी भी खत्म हो जा। बताओ जी यो दो बार बताओ ये जा सुबह आए थे बगैर मुंह धो और जुगे बगैर मुंह धो। और अगर मैं अपनी घड़ी दिखाऊं तो रोहित इसमें जो वक्त है वो 2 बज चुके हैं। और ये आप ये अम्मा की तस्वीर भी देख सकते हैं कि वो सुबह 7:30 बजे से लाइन लगी थी तब जाकर उन्हें कट्टा मिला। आप सुबह कितने बजे आए थे? सुबह ही आया था 7:30 बजे ही। सात बजे आ गए थे हम भी। आप कितने बजे तक? 7 बजे। इनसे बोला नहीं जा रहा, इनकी तबीयत भी खराब लग रही है। आपका क्या नाम है? हम दिनेश कुमार। दिनेश कुमार कहाँ से आए? दिनेश नंदपुर से आए। आप भी इनको साथ में लेके आए? हम जी हाँ जी कलरपुर के आए जी। हम 8 बजे आए थे जी। हम 8 बजे आए जी। खात नहीं मिला जी 8 बजे। खात नहीं मिला, टांग में भी दर्द हो गया, खड़ो बता के आगे रखे थे। आप समझिए कि आखिरकार कैसी सिचुएशन है यहाँ पर। इस वक्त मैं वहाँ पर आपको ले चलता हूँ जहाँ पर लाइन लगी हुई है। हालांकि अब भीड़ बहुत ज़्यादा, उम्मीदें तो टूट चुकी जिनकी, वो यहाँ से वापस लौट गए हैं और खाली हाथ लौटना पड़ा है। आखिरकार जिनकी जिम्मेदारी है वो इस वक्त कहाँ पर है? क्यों इस तरीके से बुजुर्ग लोगों को, जिनकी उम्र बुजुर्ग महिलाएँ, मैंने आपको दिखाया कि 80-80 साल की बुजुर्ग महिलाएँ जिनसे ठीक से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो यहाँ पर लाइन में लगी हुई है। और यहाँ पर तो कोई कर्मचारी है बताने के लिए है कि आप बैठ जाइए, आप पानी पी लीजिए, आप रुकिए, आज नहीं आपको कल मिलेगा। इस तरीके से लोग खड़े हुए हैं, ये भी अपनी आस में है मिल पाएगा आज खाद की नहीं। क्या सगुंडा कर दिया है? सब लेक बाजोरी खाद की लेक बाजोरी। देखिए आप यहाँ पर ये भाई साहब हैं, ये सिर्फ यहाँ पर कहाँ पर चला गया खाद? 30 गट्टे बच रहे जी, दे नहीं रहे। 30 गट्टे बच रहे भाई साहब। क्या प्रॉब्लम है? क्यों इन लोगों को खड़ा किया हुआ है? अगर नहीं है तो मना क्यों नहीं किया? बटरा खाद तो पूछो इनसे, पूछो बटरा है क्या? बटरा है भाई साहब, बटरा इतने कुछ नहीं। नंबर दो कहाँ हो रहा है? नंबर दो कहाँ दे रहे? नंबर दो कहाँ दिख रहा है? नंबर दो का ये तो कह रहे बटरा आपको दे रहे हमको नहीं दे रहे बिल्कुल भी। 6 बजे यहाँ खड़े हम 6 बजे यहाँ आगे 6 बजे से खड़े 6 बजे से 6 बजे 4 बजे से 4 बजे हाँ 4 बजे से खड़े हम यहाँ। हाँ भाई साहब आप कह रहे हैं कि मिल रहा है तो ये खड़े क्यों हैं? आप बाहर आइए थोड़ा, आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार। आपकी क्या जिम्मेदारी है? मैं यहाँ समिति सचिव हूँ। समिति सचिव, आप थोड़ा बाहर आइए वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी बताएंगे, वीरेंद्र जी ये लाइन खड़ी है, बुजुर्ग महिलाएं जिनकी उम्र 90-90 साल है वो खड़े हैं, कौन खाद देगा भाई साहब ये बताइए ना। हमारे पास 330 कट्टा था एक गाड़ी, यहाँ पर लाइन बहुत ज्यादा थी सुबह वहाँ तक थी, तो हमने एक आदमी को 2 कट्टे देने शुरू कर दिया। भाई एक आदमी को 2 कट्टे ले जाओ, अब हमारे पास मात्र 20-25 कट्टे बचे हुए हैं। हमने काउंटिंग की, भाई किसी की पर्ची कट गई हो उठाने बिना ना रह जाए।
अब जो बचा हुआ है इन लोगों को दो दो कट्टे दे देंगे, जितना खाता उतना देंगे, बाकी आएगा कल देंगे। इस मामले में दो क्यों बज गए और कितने बजे खुली थी सोसाइटी? 10 बजे सर। 10 बजे यानी 4 घंटे हो चुके अभी जी है? सर टाइम तो 4 घंटे में 300 कट्टे नहीं बटे। हाँ नहीं सर टाइम तो लगता है, दो दो कट्टे देने, पर्ची भी कराने को दी और मशीन से थोड़ी देर पाँच पाँच बार आवे ना जी, मशीन से नेटवर्क प्रॉब्लम तो एक आदमी को 5 मिनट भी लग जाती है। ऐसा तो नहीं है, जिससे जान पहचान है उसको ज्यादा, जिससे जान पहचान नहीं है वो लाइन पे खड़े रहो। ऐसा नहीं है ले गया सर, मेरा आधार कार्ड था, कहने लगा भी लेगा, मैं सुबह से भाई साहब को लेगा, अब तक भी नहीं मिला, इनके कागज लेगा हाथ में, एकदम मना कर दिया, कहने लगा भी पूरे भट गए है जी, 10-10 कट्टे ले जा रहे हैं, पत्ते आज दो दो मैं देख रहा था, एक बुग्गी में 10-20 कट्टे जा रहे थे, तो वो कैसे उन्हें आपने दो क्यों नहीं दिए? नहीं सर, अगर मान लो 5 आदमी आ गए एक गांव में से और उन्होंने 5 आदमी दो दो कट्टे ले लिए और गांव के एक ही बुग्गी, तो हम कैसे मना कर सके, एक बुग्गी में आप दो कट्टे ले जाओ, इनकी रसीद चेक करा लो, दस कट्टे काट करते पर्ची दे रहे हैं, हम दो दो कट्टों को भी देते हैं, हम लाइन में लग रहे 6 बजे के, यहाँ से 6 बजे के लाइन में लग रहे जी, हम परेशान हो, सुबह रोज चाय भी नहीं पीकर, रोटी भी नहीं खाकर, हम चाहो हमने कहा तुम्हारी व्यवस्था एक लेन दो दो लेन, दो से ज्यादा नहीं देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मिल पाए, हमारी मनसा ये थी। कमी कहाँ रह गई, क्या पीछे से बहुत कम आ रहा है? जिले से कम आ रहा, पीछे से कम आ रहा, पीछे से कम, कोई बड़ा अधिकारी नहीं आ रहा इन सुध लेने की, क्या हो रहा है? नहीं सर प्रयास, उन लोगों की क्या हालत है जो 95 साल की महिला जिनसे खड़ा नहीं हो जा रहा, जिनकी रीढ़ की हड्डी मुड़ गई खड़े खड़े, उनकी क्या व्यवस्था है? हमारे पास जितना आता है हम उधर वितरण करते हैं, और हमारी तो ये देखिए ये महिला, ये बुजुर्ग महिला यहाँ पर अभी खड़ी है और पीछे से लेकर क्या हालत यहाँ पर है। सवाल यही है कि आखिरकार कौन जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है वो क्यों उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है, ये सवाल लगातार आने की, लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ से ऐसे भी लोग हैं जिनको 10-10 मिल रहे हैं, हालांकि जो अधिकारी है जो कर्मचारी है वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि हम तो उतना ही राशन दे रहे हैं जितना उतना ही गट्टे दे रहे हैं जितने हम दे सकते हैं, हम किसी को ज्यादा नहीं देख रहे, हमारी रसीद चेक कर लीजिए, लेकिन जनता का आरोप है कि ब्लैक यहाँ पर हो रहा है, क्या वाकई ऐसा है? हम 6 बजे का खड़े यहाँ पे, हम नाम है खड़े अमर चंद है जी, मैं रामपुर से आया जी, मैं चाय भी नहीं पी का, हम आज लाइन में खड़े, और जो 10-10 कट्टे ले जा रहे हैं उन्हें पर्ची मिल रही, दो दो बड़े यहाँ लाइन में लग रहे, बाहर से लाइन में आ रहे जी, जो ऊपर ना दो पर्ची पकड़ा हुआ है और जो लाइन में लग रहे हैं उनका धक्का मुक्का खाया नहीं, जो खत्म हो गया, गोदाम में 20 कट्टे पड़े, 25 पर्ची कटी हुई है उनके एडवांस, वो गोदाम है जिसमें 20 कट्टे, हालांकि अब उसको बंद कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है, वो देखिए आप रोहित जूम करके दिखाइए कि उसको बंद कर दिया गया है और ये कह दिया गया है कि अब वहाँ कुछ नहीं है। 15 दिन हो गए घूम रहे इस तरह, मतलब इस तरह क्या होगा, हाँ जी किस तरह होगा, इस तरह 15 दिन हो गए घूम रहे, 15 दिन से नहीं मिला जी, ना जी ना जी, हाँ जी 15 दिन से खाद नहीं मिला हमें, एक दाना भी नहीं गिरा खेत में, जू के तू पड़े खेत खाली, अब देखो क्या होगा जी हमें। वाकई आप समझिए कि जिन्होंने अपने गेहूं बोए 25 दिन बीत गए, अब उन्हें कोर देना था, पानी देना था, लेकिन वहां पर कोई यूरिया की व्यवस्था नहीं हो पाई, किस तरीके से वो अपनी फसल कोर भी दे दी, और दे दी 15 दिन हो गए आज, और एक गट्टा नहीं मिला आज, लगभग लाइन में तीसरे दिन हो जाओ, जिनका जोर है उन्हें मिल रहा खाद, अन्य मिल रहा, हम सवाल लगातार है कि जिनका जोर है उन्हें ही मिल पा रहा है, और इस तरीके से लोग वहां पर बदवास हैं, और सबसे बड़ी बात कि कम से कम उन लोगों की कुछ व्यवस्था होनी चाहिए जिनकी उम्र ज्यादा है, उनको कम से कम ये हो कि उनके लिए कुछ व्यवस्था कोई कर पाए कि उनको परेशानी ना उठानी पड़े। आखिर ये किसान है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो किसान है जो अपनी फसल बो चुका है, जो अन्न पैदा कर चुका है, लेकिन जब उसको पोषित करने के लिए उसमें खाद बीज का व्यवस्था नहीं हो पा रही तो क्या होगा। लगातार मुद्दे की बात इसी तरीके से चलती रहेगी, आप जुड़ रही है एडवांस नेटवर्क के साथ, और इस वीडियो को शेयर करना कतई मत भूलिए। नमस्कार।